आज हम लोग चैन के बारे में पढ़ेंगे। चैन होता क्या है बेसिकली? आपका चैन जेसबी में यूज किया जाता है, क्रेन में यूज किया जाता है, साइकिल में यूज किया जाता है, बाइक में, मतलब बहुत से जो मशीनरी चीजें हैं उन सब में क्या चैन का यूज किया जाता है। चैन का बेसिकली होता क्या है काम, उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। चैन क्या करता है कि पावर को ट्रांसमिट करता है वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। मतलब इसका मेन काम वही रहता है कि अटैचमेंट ऑफ टू शाफ्ट, मतलब दो शाफ्टों का अटैचमेंट होता है किसी से चैन से। पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, बेल्ट ड्राइव, बेल्ट और पुली। जैसे कि आप आपका पुली लगा रहता था और आपका ये क्या लगा रहता था, बेल्ट, उसकी मदद से हम लोग क्या करते थे, पावर को ट्रांसमिट करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि चैन चैन का यूज करेंगे और ये आपका स्पॉकेट व्हील, मतलब गियर है, मतलब स्पॉकेट गियर है। तो हम लोग इसमें देखेंगे ये आपका व्हील फर्स्ट है और ये आपका व्हील सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या है कि टूथ व्हील, मतलब कि जो चैन का गैपिंग होता है इसमें, इसमें क्या है टूल, मतलब तीर क्या है इंसर्ट है। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट शाफ्ट और ये सेकेंड शाफ्ट, मतलब ये क्या कर रहा है प्रोसेस, पावर ट्रांसमिट कर रहा है। ये आपका जो ज्वाइंट होता है ये क्लोज ज्वाइंट चैन होता है, मतलब कि बंद ज्वाइंट चैन होता है, ज्वाइंटेड होता है। और ये आपका क्या होता है पूरा, ये आपका क्या है चैन। और इस शाफ्ट से इस शाफ्ट की दूरी क्या है आपकी एक्स है। आप समझ गए कि चैन का काम क्या होता है, द पावर ट्रांसमिट वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, देन इट इज नोन एज चैन, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन द बेल्ट पुली और चैन, मतलब पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बेल्ट पुली, अब क्या पढ़ रहे हैं चैन। इसका हम लोग डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या इसमें डिफरेंस होता है, कौन कौन सा पदार्थ या सिस्टम क्या होता है इसमें चेंज होता है। जैसे कि आपका क्या हो गया बेल्ट पुली में क्या लगता था आपका पुली, और चैन में क्या लग रहा है स्पॉकेट, मतलब ये जो पहले बेल्ट में क्या लगता था पुली और इसमें क्या लग रहा है स्पॉकेट। और ये आपका क्या होता है, ये बेल्ट पुली आपका क्या होता था निगेटिव ड्राइव होता था, लेकिन आपका चैन क्या हो रहा है पॉजिटिव ड्राइव है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं वेलोसिटी रेशियो नॉट कांस्टेंट, मतलब कि जो वेलोसिटी रेशियो होता था वो बेल्ट पुली में क्या रहता था इसमें कांस्टेंट नहीं रहता था, मतलब कि बराबर नहीं रहता था, क्या करता था स्लिप अकर हो जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें चैन चैन में क्या होता है वेलोसिटी रेशियो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें टूथ व्हील गैपिंग क्या रहता है फिलअप रहते थे, इसमें स्लिप और अकर करने की क्या होती है आवश्यकता, इसमें मतलब स्लिप नहीं हो पाता है। और कैपेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि बेल्ट यू जहां यूज होता है वो क्या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज हो सकता है और स्मॉल डिस्टेंस के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन चैन ड्राइव क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं होता है। चैन ड्राइव क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं होता है, इट इज नॉट कैपेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इट इज ओनली कैपेबल ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, देन इट इज नोन एज चैन। मतलब इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं चैन कहते हैं। पढ़ रहे थे हम लोग चैन पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ चैन, टाइप्स ऑफ चैन की, मतलब टाइप्स ऑफ चैन कितने कितने प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ चैन। तो टाइप्स ऑफ चैन में देखिए क्रेन चैन, क्रेन चैन, ड्राइवर चैन और कन्वेयर चैन, मतलब कि आपके तीन चैन होते हैं इसमें बेसिकली, क्रेन चैन, ड्राइवर चैन और कन्वेयर चैन। कौन कौन से होते हैं, क्रेन चैन, ड्राइवर चैन और कन्वेयर चैन। क्रेन चैन कितने प्रकार के होते हैं, चैन विद स्क्वायर लिंक, चैन विद ओवल लिंक्स, मतलब कि चैन विद स्क्वायर लिंक्स, मतलब क्या हो स्क्वायर होगा स्क्वायर लिंक्स, और चैन विद ओवल लिंक्स, मतलब इसमें क्या होंगे ओवल टाइप के होंगे। अब हम देखते हैं ड्रिवन चैन के, ड्रिवन चैन कितने प्रकार के होते हैं, ब्लॉक चैन, बूश रोलर चैन और हाल्फ टूथ चैन, मतलब कि जो हाल्फ दांत होगा इसमें टूथ चैन, ठीक है। इसमें और करके साइलेंट चैन, इसे हम लोग क्या कहते हैं साइलेंट चैन भी कहते हैं, और इन्वर्टेड टूथ चैन ये होता है। अब बात करेंगे हम कन्वेयर चैन की, कन्वेयर चैन में क्या होता है हुक ज्वाइंट चैन, मतलब कि बेसिकली ये कैसे होगा हुक, ये आपका क्या हो गया हुक ज्वाइंट चैन, बेसिकली ऐसे ही होगा आपका क्लोज ज्वाइंट चैन। क्लोज ज्वाइंट भी इसमें आता है किसमें, कन्वेयर चैन। ये आपके हो गए वन बाय वन, अब हम लोग करके देखेंगे क्रेन चैन।